जनपद आगरा के बिजपुरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम खासपुर में ग्राम प्रधान के विकास कार्य न करने के रवैये से ग्रामवासी नाराज है। इसको लेकर ग्रामवासियों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन इसकी जांच करने की जहमत किसी भी अधिकारी ने नहीं उठाई है। ग्राम खासपुर निवासी भगवान सिंह ने विकास भवन में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गाँव में किसी तरह का विकास कार्य नहीं कराए जाने की वजह से ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत सदस्यों के कहने पर भी ग्राम प्रधान द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई जन प्रतिनिधि भी गांव के विकास को लेकर गंभीर है। इसको लेकर जन प्रतिनिधि अधिकारी और प्रधान तक को कई बार शिकायत दी जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि इसी बात से ग्रामवासियों ने रुष्ट होकर लोकसभा चुनाव में मतदान करने का बहिष्कार किया था। अगर अब जल्द ही कोई सुनवाई नहीं होती है तो ग्रामवासी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी और DPRO कार्यालय के चक्कर लगाकर हम थक गए हैं, लेकिन इन सरकारी कार्यालय से कोई भी अधिकारी अब तक गांव की स्थिति देखने नहीं पहुंचा है। आगरा शहर से ग्राम खासपुर की दूरी महज 6 किलोमीटर है, फिर भी ग्राम खासपुर विकास की बाट जो रहा है। हमारे ग्राम प्रधान जो अभी वर्तमान में प्रधान है, तो हमारे ग्राम पंचायत में सदस्य है 14 सदस्य है। 14 सदस्य में थे हमारे पास, जो 7 सदस्यों ने के वार्डों में कार्य कराया प्रधान जी ने, और 7 सदस्यों के और BDC के वार्ड में कार्य नहीं कराया है। तो हम उनको बार बार पे अवगत करा रहे हैं। जब प्रधान हुए थे उसके 1 साल बाद भी रिमाइंडर दिया, 1.5 साल बाद दिया। हमें करीबन 18/8/2023 को CDO साहब को हमने एफिडेविट दिए, जिला अधिकारी महोदय को एफिडेविट दिए। मैंने हमारे ये प्रार्थना पत्र हैं और हमारे वार्डों में 700 वार्डों में किसी तरीके से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो उन्होंने कि हमें जांच कमेटी बैठा लेता हूँ और जांच कराता हूँ। आज तक जांच नहीं हुई है। हम CDO ऑफिस आते हैं तो CDO ऑफिस कहते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, आप DM साहब के पास जाइए। तो हमें बड़ा जे है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ऑफिस में इस तरीके से DPRO ऑफिस में जो बैठे हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं सुनाई होगी, DM के साहब के पास जाइए। तो यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी का कोई यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी तरीके से कार्य कराने की। DM साहब के पास गए हम, प्रार्थना पत्र देने जाते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं मिल पाती है। हम गए हैं, देखे आए हैं, एफिडेविट की छाया प्रति दिए उनको और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया हमने, कम से दर्जनों प्रार्थना पत्र दिए। हमारे गांव का इतना बुरा हाल है जो विकास भवन से 6 किलोमीटर की दूरी पे हम ये कह रहे हैं कहीं मन जाओ आप, खेरागढ़ मन जाओ, तहसील बहा मन जाओ, फतेहाबाद मन जाओ, जब 6 किलोमीटर आपके विकास भवन से बगल से भी नहीं आप देख सकते हो तो क्या देखोगे विकास की। और मोदी जी को मालूम पड़ गया है कि किस तरीके से कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं। और हमारे गांव में पूर जोर चुनाव का बहिष्कार हुआ था और सब एडी चोटी अधिकारियों ने, प्रशासन ने अपना पूरा जोर लगाया था। वहां से राजकुमार चार साहब को 1100 वोट मिले थे, हमारे ये 7 सदस्यों ने वोट दिलवाए थे पूरी तरीके से, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। तो अब आने वाले चुनावों में फिर कत्ती थे ये इसी तरीके से वो होगा कि अब की बार पूर्ण किसी तरीके से चुनाव वोट डालेंगे ही नहीं किसी तरीके से। मैं सुंदर सिंह वर्मा नाम है, मैं ग्राम पंचायत खासपुर का रहने वाला हूँ और हाँ यहाँ हम CDO साहब आए अपनी समस्या लेकर। हमने CDO साहब को अपनी एप्लीकेशन दिए, उनको अवगत कराया, उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को ट्रांसफ़र करके बोले कि हम जांच कराएंगे, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। हम आगे ये विचार कर रहे हैं कि पूरे गांव वाले आके DM साहब का यहाँ धरना प्रदर्शन करें और अब से पहले एक बार DM साहब को और तहसील दिवस से अवगत कराएँ, जिससे हमारे यहाँ आज 1 जुलाई हो गई है, 1 जुलाई कोई बच्चा गाँव का कहीं किसी स्कूल में पढ़े नहीं गया है, वहाँ घुटन घुटन पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, नाली बंद हैं, गांव कहीं सड़क बिल्कुल लबालब पानी से भरी हुई है, सड़कों की कम से कम 15-20 साल से मरम्मत नहीं हुई है। बार बार हमने अखबारों में दिया, दैनिक जागरण ने हमको बहुत सहयोग दिया, DG महाराजा ने हमको बहुत सहयोग किया, इन्होंने हमारी बातों को बहुत उछाला और अधिकारी तो पहुँचा, लेकिन अधिकारियों ने न किसी भी सांसद ने, विधायक ने, किसी ने, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। नहीं, हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं, अब तक कोई विकास काम नहीं किया है भाई। जिला प्रशासन पे दुनिया भर के मद होती हैं कि सैकड़ों मद होते हैं, किसी मद से क्या कहते हैं सड़क की मरम्मत करा सकते हैं, मंडी समिति से, जिला योजना से, भाई इन पर निधि तो कई तरह से आती है, अरबों रुपये आता है जिला पंचायत में और क्या कहते हैं सांसद निधि में, विधायक निधि में, कहीं से कोई नहीं, ग्राम पंचायत की ओर से कोई काम नहीं हुआ है, केवल एक नाली बनवा दी है बस। मेरा नाम बनी सिंह है, खासपुर गांव से, और अब मतलब वैसे बजरंग दबा बाबा, मेरा बाबा के साथ नाम है बजरंग दबा बाबा,
अच्छा गांव में नाली सब टूटी फटी पड़ी है, ग्राम प्रधान दे कहते तो वो कहते थे तुम्हारा वोट दे सब हम तुम्हारी नाली बनवावे, और बाकी मकानन के सामने 10-10 फुट पाट रखी है नाली, तो सफाई कर में आवत हुआ कबू गार महीना में एक दो बार, तो वो नालन के सामने भीतर तो सफाई है ना बाबत, और नाली पट्टी रखी है वो जरूर टूटनी चाहिए, तभी नाली बनेगी तभी नाली साफ होंगी। ग्राम पंचायत में सब नरेंद्र प्राथमिक पत्र हैं और डीएम साहब हैं, सीडीओ ऑफिसर हैं, और आज तक कोई सुनवाई नहीं ब्लॉक में, आज तक कोई सकाते सुनवाई ना होते, हारा गांव पे तो कोई अधिकारी को ध्यान ही ना आते बिल्कुल। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।